स्वागत है भाई आप सभी लोगों का डे टू सीरिया में। और कल हमने ना लॉन्ड्री के लिए कपड़े दे दिए थे, पाजी को भी देने थे, मेरे को भी थोड़े बहुत देने थे। ये शर्ट मैंने काफी दिन यूएस में पहनी थी, तो मैंने कहा धुलवा लेते हैं, अच्छी शर्ट है। तो हमने दोपहर में दिए थे, शाम को रात को हमको कपड़े दे के चली गई थी वो लड़की। पर उसने कहा भाई सूखे नहीं है ये कपड़े ना, इनको ऐसे आप हैंगरों में टांग लो। और हमने ऐसे हैंगरों में टांग के खुद ही सुखाए थे। एक शर्ट, एक टी शर्ट ऐसी का लिया था 5,000 सीरियन पाउंड, मतलब आधा डॉलर। और जो मैंने अंडरवेयर धुलवाए थे उनका लिया था 3,000 सीरियन पाउंड, मतलब कुछ ये मान लो आप 30-25 रुपए में धुली होगी एक। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा कुल मिला के कुछ 50,000 सीरियन पाउंड में धुला था। और भाई पूरी रात में मैं कम से कम 10 बार जागाऊंगा। किसकी वजह से? एसी की वजह से, क्योंकि हम एसी चला के सो रहे हैं, कंबल ओढ़ लिया हमने, फिर लाइट चली जाती। 1 घंटा लाइट चलेगी, 2 घंटे लाइट चलेगी, फिर 1 घंटे 2 घंटे के लिए आ जाती, फिर 15-20 मिनट के लिए चली जाती, 15-20 मिनट के लिए आ जाती। तो अभी पावर कट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं अभी सीरिया में। लाइट ये देख लो, होटल अच्छा खासा बड़ा है ये, यहाँ पे भी लाइट जाती रहती है, पर लाइट सिर्फ एसी की काटते हैं लोग, बल्ब वगैरह की चलती रहती है और प्लग वगैरह जो है वो सब चलते रहते हैं। एसी थोड़ा हाई एनर्जी कंज्यूम करता है इसलिए उसको काट देते हैं, और फिर जब लाइट गवर्नमेंट सप्लाई करती होगी तभी एसी चला देते होंगे। अभी जैसे एसी चलने लग रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7:15, और हमको नीचे जाना है ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट वो कह रहे थे रूम में भी दे जाएंगे हम, या फिर आप नीचे आ जाओ। हमने कहा नीचे आ जाते, रूम तो बिखरा बिखरा पड़ा है। तो पैकिंग करते हैं और हम निकलते हैं टूर के लिए। आज का हमारा पहला स्टॉप होगा मलूला, यहां से है कुछ 60-70 किलोमीटर सीरियन पहाड़ों में डमास्कस के बाहर। और हमारा आज आखिरी पॉइंट होगा एलेप्पो। तो मेरे को लगता है मैं एलेप्पो तो इस वीडियो में दिखाऊंगा, मैं शायद मलूला तक इस वीडियो में दिखाऊंगा या फिर अगले पॉइंट तक दिखाऊं, वो देखते हैं कैसा क्या जाता है, कितना क्या मतलब देखने को मिलता है उसके हिसाब से। तो पैकिंग करते हैं और निकलते हैं पहले ब्रेकफास्ट के लिए। तो जनरली जो भी आप सीरिया के टूर्स लोगे टूर गाइड से, तो उसमें क्या होता है, लंच डिनर आपको अपने पैसों करना होता है, आप अपनी पसंद का खा सकते हो, पर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है प्राइस में। जो भी हमने प्राइस दिया है 5 दिन के सीरिया के टूर के लिए, 7 दिन का, 9 दिन का, 10 दिन का, कितने भी दिन का आप सीरिया का टूर ले सकते हो। तो अब चलते हैं नीचे। तो भाई ये था हमारा होटल, देखना भाई कितना शानदार है। एक छोटी सी गली में से निकल के था, पर देखो अंदर से कितना शानदार बना रखा है। एसी भी लगा रखे हैं, मतलब ऊपर से वैसे छत खुली हुई है, पर एसी से थोड़ा अंदर का माहौल ठीक हो जाता है पेड़ वेड़ लगा के ना। ब्रेकफास्ट का वेट करते हैं यहाँ पे। अब भाई आज मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ आज हमारा प्लान क्या है। आज हमारा प्लान है यहाँ से हम जाएंगे मलूला। मलूला एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं और वो आज भी वहाँ पे जीसस क्राइस्ट की भाषा बोलते हैं। अब इससे मेरे को समझ में नहीं आया भाई जीसस क्राइस्ट की कौन सी भाषा है, मतलब क्या है क्या नहीं है। मतलब मेरे को तो ऐसे ही लगेगा ना भाई वो भी इंग्लिश ही बोलते थे, ऑब्वियस बात है ऐसा ही लगेगा। अब वो कौन सी भाषा है क्या है वो मैं अपने टूर गाइड से पूछूंगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिर हम उसके बाद जाएंगे वहाँ से निकल के हमा, हमा में थोड़ी देर रुकेंगे 2-4 घंटे शायद, और फिर हम पहुँचेंगे एलेप्पो जो कि यहाँ से है 350 किलोमीटर दूर। तो सारा एक वीडियो में तो कवर नहीं होएगा, पर हाँ हम करने की कोशिश करेंगे जो जो हो सकेगा। भाई ये देखो अपना ब्रेकफास्ट कितना मस्त लग रहा है, अंडा हमस अलग अलग टाइप नहीं, ये क्रीम है, ये हमस है, चीज़ बटर, ये इनके नान टाइप जो होते हैं, चाय, मतलब पूरा रॉयल खाना, कोई मतलब कमी नहीं छोड़ी भाई। तो भाई अपने गाइड साहब आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग हुसैन। गुड मॉर्निंग, हाउ इज योर डे? वेल एक्चुअली ग्रेट। टुडे वी आर लीविंग फॉर एलेप्पो। ओके, द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ऑफ सीरिया। भाई यहाँ देखो अरब देशों में ना बिल्लियाँ बहुत होती हैं, और इनको मतलब ऐसी लावारिस कुत्ते नहीं मिलेंगे आपको, बिल्लियाँ बहुत मिलेंगी। तो गाइड साहब भी अपना बैग बुक ले आए, देखो वो आगे बंदा बैग लेके जा रहा है गाइड साहब का। हमारे साथ 2 रात ये रुकेंगे साथ में ही, और 4थी रात हम वापस डमास्कस आ जाएंगे, इनका घर डमास्कस में ही है। पर देखो यार हरा भरा काफ़ी ज़्यादा है सीरिया वैसे देखा जाए तो। ये स्ट्रीट ना बिल्कुल यूरोपियन लग रही है मेरे को बिल्कुल। कौन सी भाजी शो ऑफ कर रहे हो ना वीडियो में?
भाई, ये आ गए अपने ड्राइवर साहब मोहन्नत भाई। हाउ आर यू? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? ओके नाइस। तो भाई यहाँ पे सीरिया में टूर करने का क्या है कि आपके पास एक गाइड होना चाहिए जो रजिस्टर्ड होते हैं। इनको कॉलेज से कोर्स करना पड़ता है और अपने वाले जो गाइड हैं हुसैन भाई, उन्होंने 32 साल से ये टूरिज्म के बिजनेस में हैं। और एक आपके पास ड्राइवर भी होना चाहिए। अगर गाइड ही गाड़ी चला ले तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हुसैन भाई ने मना कर दिया टूर कंपनी को कि मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा क्योंकि मेरे को नींद आ जाती है या फिर मतलब नहीं पसंद मेरे को चलानी, तो हमको एक ड्राइवर भी करना पड़ा। तो दो बंदे हमारे साथ अगले 4 दिनों तक घूमेंगे पूरे सीरिया में। तो पहले तो हमारा प्लान था कि एक ही गाइड होगा और एक मतलब वही ड्राइवर होगा वही गाइड होगा, पर यहाँ पे अलग अलग है और आपको रजिस्टर्ड गाइड के साथ ही घूमना पड़ेगा। अगर आप उसके बिना मिले तो फिर आपको जेल तक हो सकती है सीरिया में। अभी का रूल ये है, पता नहीं आगे वाले 6 महीनों में 1 साल में कभी चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, पर अभी का रूल ये है। और दिन में वेदर काफ़ी सही है भाई, मेरे को बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। और यहाँ देखो पूरा हरा भरा, ऐसा लग रहा है भाई यूरोप में कहीं पर आ गए हों। बस नवदीप पाजी गए हैं पानी वानी लेने कहीं पे और फिर हम निकलते हैं एलेप्पो की साइड आज, पर हमारा पहला स्टॉप होगा मलूला। ये अपना ग्रुप अगले 4 दिनों के लिए, नवदीप पाजी, अपने मोहन्नत भाई और हुसैन भाई और मैं। पाजी मेरा प्रमोशन कर दो। पाजी आप करो, आप ज्यादा फेमस हो। Damages and destruction. That's- भाई आपने देखा होगा मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको हम दुबई कहते हैं, सूडान, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, पैलेस्टीन हो गया, इन सब के ना फ्लैग बहुत सिमिलर है। सबके फ्लैग मैं यहाँ लगा दूंगा, काफ़ी सारे 8-10 देश हैं जिनके फ्लैग बिल्कुल सेम है, जिसमें सेम कलर होता है, लाल वाइट और ब्लैक, रेड वाइट ब्लैक एंड ग्रीन। तो ये 4 कलर क्यों होते हैं इनके फ्लैग में? हुसैन विल टेल अबाउट दिस। Were occupied by the Ottomans for almost 400 years. तो ये बता रहे हैं कि ओटोमन जो एम्पायर था उसमें 400 सालों तक की सारी कंट्री एक ही एम्पायर के अंडर आती थी। 1918, you know, with the beginning of 1918. Yeah, it was 1918. Actually, it was the end of the Ottoman era. You know, I'm talking now about the First World War. कि पूरा ओटोमन एम्पायर एक ही था, पूरा वो अरब वर्ल्ड जब टूटा तो धीरे धीरे जैसे जैसे टूटने लगे इन सबको ऐसा था कि हमको ना सेम टाइप का ही फ्लैग रखना है, तो इन्होंने मतलब थोड़े थोड़े चेंज करके फ्लैग बना दिया अपने। भाई ये आ गए हम मलूला के टाउन में, एंटर कर चुके। ये पूरा टाउन जो है क्रिश्चियंस का टाउन है पूरे का पूररा तो भाई यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मलूला में। ये है एक भाई क्रिश्चियन टाउन और यहाँ पे अभी भी लैंग्वेज ऑफ जीसस बोली जाती है, वो इंग्लिश नहीं होती। जीसस जो लैंग्वेज बोलते थे उसका नाम है अरामाइक। और सीरिया में 3 ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी ये लैंग्वेज बोलते हैं लोग, और मतलब इसको डेड लैंग्वेज कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई नहीं बोलता, पर सिर्फ 3 ऐसे गाँव हैं पूरी दुनिया में ही होंगे शायद 3 ऐसे गाँव जो कि ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं। तो पहले हम विजिट करेंगे ये कैथीड्रल, फिर वो विजिट करेंगे मलूला का होटल था जो पूरे का पूरा तबाह कर दिया गया। ये देखो पूरे यहाँ पे तबाह सब कुछ, और यहाँ पे एक टूर भी आ रखा है। फिर हम वॉक करेंगे और फिर हमको गाड़ी दूसरी साइड मिलेगी,
फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे बता रहे थे जो अरामाइक लैंग्वेज है ना वो अरेबिक से बहुत सिमिलर है, और जो अरेबिक लैंग्वेज आई है ना वो अरामाइक से ही आई है। हाउ डू यू से हेलो इन अरामाइक? यू नो वी शुड आस्क समबडी फ्रॉम मालूला। ओके, यू डोंट नो? नो, ऑफ कोर्स आई डोंट नो, आई स्पीक अरेबिक। एनीवे, व्हेन वी मीट द लेडी देयर और वन ऑफ द लेडीज इन द कैफेटेरिया देयर, आई विल यू नो देम स्पीक और से समथिंग इन अरामाइक। भाई आपने थोड़ी देर पहले इसी जगह की वीडियो देखी होगी, और हम ना थोड़ा बाहर चले गए थे वीडियो बनाने, तो इन्होंने ये भी बंद कर दिया। दे टर्न दिस ऑफ बिकॉज ऑफ द लाइक लो पावर, राइट? लो पावर, या तो भाई अरेमिक लैंग्वेज दे विच कुड़ी आपां नूं करके दिखाओगी किदां प्रेयर किदां करदे आ। कैन यू टेल अस हाउ टू प्रेयर इन अरेमिक लैंग्वेज? ओके, आई विल प्रे द लॉर्ड प्रेयर, आवर लॉर्ड फादर इन अरेमिक। ओके, أو بوحتي بشمون يتكتش أشمخ يثيلي ملكه يذكن تجبع عيلي أخمل بشمون خط على رعا أبليح لحمح تعاييل يومه وغفر ليح أخديوثه أخمل أنا حن مغفر التي مخط عمينه ولتش عبرن حب تغرب يوثه بيز حسل الناح مشيذا. آمين. Thank you. Thank you very much. ये है सुवेनियर शॉप, और मैं आपको प्राइस दिखाऊं सुवेनियर शॉप के, तो भाई देखो कितने सस्ते हैं भाई यहाँ पे। अगर मैं आपको सच बताऊं तो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस भाई 40,000 का है, मतलब $4 का है बस। सोचो यार कितना सस्ता है यहाँ पे। ये जो 10,000 का, ये मतलब $1 हुआ। ये इतनी बड़ी ये पेंटिंग 3,75,000 देखने में ज़्यादा लग रही है, पर ये $37 हुआ मुश्किल से। ये खुलता है क्या? नहीं खुलता नहीं है। देखो वही है सीरे के हिसाब से ये सारी प्राइसेस हैं यार यहाँ पे। इतना बड़ा है 4,00,000 का, ले जाने का मन तो कर रहा है मेरा, पर कहाँ रखूँगा यार इसको। यहाँ पी रहे हैं भाई हम चाय, बाजी ने ले ली कॉफ़ी, ये अरेबिक चाय आपको पता ही होगा, और ये टर्किश कॉफ़ी। And bye. 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 Okay. Jesus also used to say bye bye. Yeah. So भाई ये अरेमिक लैंग्वेज दे विच आपां गलबात कर रहे हैं, जिहड़ी कि पुरानी जीसस क्राइस्ट दी लैंग्वेज सी। ये कुड़ी आपां बोल के दिखा रहे जो भी पूछना। So तो भाई जीसस क्राइस्ट भी तो बाय को ना बाय कहते थे, ये अस्लोमा यानी सलाम, बट बाय ना। तो ये बड़ा मतलब फनी हो गया कि भाई उस टाइम पे भी बाय कहते थे लोग, आज भी इंडिया में भी बाय कहते हैं, यहाँ भी बाय कहते हैं, बाय पूरी दुनिया में बाय है। इन होल वर्ल्ड इज बाय ओनली। ओके बाय बाय, चलो आगे चलते हैं। भाई सीरिया में ना मीठा बहुत फेमस है, तो भाई की बेकरी है। अच्छा ये कहीं यहाँ कहाँ है भाई खाने का मीठा? ओके कुछ बनाएगा भाई अब हमारे लिए। यार कल जो खाया था हमने वो मस्त था, बड़ा गर्म है, देख लो अपना हाथ। भाई नीचे मीठा बहुत खाने भाई, ये थे लोग। भाई नीचे लाल कलर का लगा दिया गुड़, ऊपर लगा दिया चीज, गुड़ लाल कलर का जो होता है बाजी, कभी कभी चॉकलेट टाइप का, चॉकलेट टाइप होता है ना, लाल वाला रेयर है ना थोड़ा। रेयर है बाजी। बाजी देखो मैं तो चॉकलेट टाइप का आता है मेरे घर पे, तो मैं बताऊं तो मेरे लिए रेयर है वो। बाजी वो बता रहा हूँ चटनी लग रही है।
टमाटर की चटनी है ना भाजी, चटनी है ना भाजी, लाल गुड़ कह रहे थे ना, चटनी निकली ना मैं कह रहा था भाई चटनी है पाजी, कह पाजी उसको इतनी इंग्लिश नहीं आती भाई, बंदे ने पैसे लेने से मना कर दिया भाई, तो अब ये खाते हैं और चलते हैं। तो भाई मोनेस्ट्री विजिट कर ली, अब हम जा रहे हैं होटल मलूला की तरफ, जो सबसे फेमस शायद अफीर होटल नाम था, 4-स्टार होटल है। और ये है भाई पूरा डिस्ट्रॉयड, अबेंडेंड, कुछ भी कह लो आप इसको, और मेरे सीधा मुंह पे धूप लग रही है क्योंकि वो रहा सूरज। अगर ये चीज़ किसी और देश में होती तो भाई ये शायद बंद होती, विजिट नहीं कर सकते। पर सीरिया वाले यार शर्माते नहीं हैं अपने उससे ना, पास्ट से, कि हमने ऐसा ऐसा किया था, वो शर्मा नहीं रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सब चीज़ें डिस्ट्रॉयड हैं। ये सच बता रहे हैं कि भाई हाँ हुआ था हमारे साथ ऐसा, हो गया सब कुछ डिस्ट्रॉय, हम क्या करें अब। तो इन्होंने कुछ भी बंद नहीं कर रखा और यहाँ पे आप सीधा आके विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई मिल गए हैं, ये हमको शायद घुमाएंगे। ऐसे ही बैठे हुए मिले, पूछा कहाँ से हो, मैंने बताया कि इंडिया से हूँ। और ये होता था भाई इस होटल का, मे बी ये रिसेप्शन लग रहा है मेरे को। हाँ तो ये दिखा रहे हैं कैसा होता था पहले, ये जो लॉबी एरिया है ये था सारा, वो थी मोनेस्ट्री जो हमने विजिट करी। सांसार के सुहाए तुम सर मारिया, ओके हसन दवान दियोस हसन जोर। ये पूरा टाउन है मलूला का, देखो भाई पावर कट की वजह से ना लोगों ने सोलर पैनल लगा लिए बहुत सारे वहां पे भी। दैट्स चर्च कैथेड्रल सांता क्लॉ एंड शो मी। और ये कुछ ले रखे हैं इन्होंने ब्रोशर सा, ओके सेंटा क्ला मोनेस्ट्री ओके। तो भाई आफिर होटल नाम नहीं था इसका, था साफिर होटल, क्योंकि वो एस मिटा हुआ था वहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने बताया। और यार मतलब क्या ही मतलब है यार इसको तोड़ने का, मेरे को तो समझ में नहीं आता। पर हाँ वही है, जब दंगे फसाद होते हैं ना तब यही होता है कि जो मिलता है लोगों को वो लूट लेते हैं, जो मिलता है उसको तोड़ देते हैं, उड़ा देते हैं। ये मंजर मैंने काफ़ी देशों में देख रखा है, पर इस देश में तो हर जगह ही मतलब ऐसा इन्होंने कर रखा है, हर चीज़ इन्होंने उड़ा रखी है। ये भाई अब पता नहीं कहाँ तय खाने में लेके जा रहे हैं, हैं यहाँ पे क्या अभी गिरता मैं ये ऐसे ही मिल गए, कोई हमारा मतलब वो नहीं है, अब जाते हुए इनको थोड़े बहुत हम ऐसे दे देंगे। ओहो ये तो सीक्रेट रास्ता है, व्हाट इज दिस कादीम भाई आपको नहीं पता तो सीरिया में अभी 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो उनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो कुछ भी करने लग जाते हैं। कई लोग बड़े बड़े जो पढ़ रखे हैं वो भी ठेला लगा के कुछ बेच रहे हैं, तो ये बंदा बस अपने एक कुर्सी और गद्दा सा लगा के यहाँ पे बैठा है। 2-4-5 दिन में टूरिस्ट आते होंगे, उनको ऐसे टिप बेस्ट पे घुमा देता है। इसने मांगा कुछ भी नहीं अभी तक। और देखो कहाँ बैठा था ये इसकी कुर्सी वगैरह है जिस पे यहाँ बैठा था, मैं वहाँ से आ रहा था तो मेरे को आवाज़ लगा दी थी। ठीक है पाजी का वेट करते हैं, पाजी पता नहीं कहाँ होटल में चले गए। या वाटर इट्स फुल, साहिल हाँ या गुड थैंक यू या वेलकम। दिल बहुत बड़ा होता है यार लोगों का ना, ऐसे लोगों का, पैसे के लिए कुछ नहीं करते ये। हम इसको 5-10 हज़ार कितने भी दे सकते हैं और बंदा खुशी खुशी ले लेगा ये, क्योंकि पैसों के लिए कर ही नहीं रहा यार ये बस ऐसे ही कर रहा है
क्या करेगा जब यार नौकरी नहीं होती लोगों के पास, जो मिलता है वही कर। देखो मेरे लिए चेयर भी उठा के लेके आ रहा है, अब कह रहा है चेयर पे बैठ जाओ। इट्स फाइन इट्स फाइन, नो नो इट्स इट्स गुड गुड, इट्स फाइन इट्स ओके भाई। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठा था, पर बंदा कहता चेयर पे बैठो, बैठना पड़ेगा वरना इसको बुरा लगेगा कि नहीं बैठ रहा। सही है यार, मस्त जगह है। भूत बंगला तो भाई वही बात है कि देख लो इस बंदे के ऐसे हालात थे, मैंने दिखाया कि क्या गद्दा वद्दा डाल के यहाँ पे बैठा हुआ, ये ऐसी इसके मतलब वो हालात है कि किसी और देश में होता तो क्या पता ये मेरा फ़ोन वोन छीन लेता और बस लूट लेता, मतलब वही है लूट के खाने वाले हालात है इनके। पर ये कोई सा भी बंदा हमको लूट नहीं रहा है, बल्कि अपनी तरफ से ही कुछ खिला रहा है। इसको चाहे हम 2000 भी देते ना, ये ऐसे नहीं कहता भाई 2000 क्या दे रहे हो, पर हमने भाई अगले बंदे की भी थोड़ी इज्जत रखनी बनती है। कई मतलब कई गोरे ऐसे कर देते हैं कि भाई बिल्कुल ही टिप विप नहीं देते, मतलब बिल्कुल ही, मैंने देखा है यार। पर ये क्या जा रहा है बताओ, 10,000 कुछ भी नहीं बने, $1 बनता है वो, इतना इसका $1 में बहुत कुछ आ जाएगा दिन का खाने का, 4 फलाफल खा लेगा एक दिन में, मतलब पूरे एक दिन के खाने के पैसे दे दिए। और बंदा सही था यार, इन बंदों को देने बनते हैं। सब ने ये सोलर पैनल खरीद लिए हैं, किसी ने छत पर रखे हैं, किसी ने रोड पर रख दिए है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी अभी तंगी चल रही है यहाँ पर। तो अभी हम घूम रहे हैं एक क्रिश्चियन टाउन में, ये भी एक सोविनियर शॉप है। हेलो, तो यहाँ पे आप सीरिया में भाई 80% के करीब मुस्लिम लोग हैं और 20% के करीब क्रिश्चियन लोग हैं। पर इस टाउन में जब जंग वगैरह हुई तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से भाग गए थे भाई, क्योंकि वही बात है यार, अपनी जान तो सभी बचाएंगे ही। पर अब लोग वापस आने लग गए हैं और चीज़ें बनाने लग गए हैं, तो विन्य शॉप्स वगैरह खुल गई हैं, तो मतलब टूरिस्ट भी आ रहे हैं अब, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करते हैं थोड़े सालों में नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो मलूला एग्जिट करने के लिए हम जा रहे हैं पहाड़ों के बीच में से। हुसैन भाई ने कहा है कि ये ऐसी जगह है कि आप पेट्रा गए आपको पेट्रा जैसी लगेगी, तो देखते हैं कैसी लगती है, पेट्रा जैसी लगती है नहीं लगती। पहाड़ों के बीच में से कहीं से जा रहे हैं एग्जिट करने, हमारी गाड़ी आगे चली गई थी, मतलब हमको उस मोनेस्ट्री पे छोड़ के गाड़ी वाला एग्जिट पे खड़ा है, अब तो यहाँ से थोड़ा हमको चल के जाना है। तो भाई इन सब चीज़ों में ना बड़ी धार्मिक चीज़ें चल रही हैं कि ये जो है कहते हैं कि भाई ये नेचुरल नहीं है, पहाड़ के बीच में से जो हम चल रहे हैं ये एक भगवान ने जिनका नाम इन्होंने लिया है किसी के भागने के लिए एस्केप के लिए रास्ता बनाया था। अब मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ रखी, मैंने कुरान भी नहीं पढ़ रखी, तो मेरे को पता ही नहीं है कि किसका नाम ले रहे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी कुछ नया है, जो वेस्टर्न लोग आते हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट से करते हैं इसको एक्सप्लोर, पर मेरे लिए तो भाई मतलब ये समझ ही नहीं आता किसका नाम ले रहे हैं। मेरे को जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें इतना पता ही नहीं है, ना ही मुस्लिम धर्म में इतना मेरे को पता है कि भाई कौन से गॉड थे कौन से क्या थे। तो जो दिखा रहे हूँ मैं सुन रहा हूँ कि हाँ भाई किसी के लिए बनाया होगा ये, पर इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा सच बताऊँ तो। तो भाई ये था मेरा पहला शहर सीरिया में जिसका नाम था मलूला। इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। आपने देखा होगा यहाँ पे मलूला की मोनेस्ट्री, ऐसी जगह जहाँ पे जीसस क्राइस्ट की लैंग्वेज बोलते हैं, और एक तबाह किया हुआ होटल। तो अब हम चलते अपने सफ़र पे आगे। हमारा अब नेक्स्ट स्टॉप होगा मलूला से हम जा रहे हैं हमा की तरफ, तो हमारा सेकेंड स्टॉप आज है हमा का शहर, तो उसकी वीडियो आप देखोगे अगली वाली।